हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक गुप्ता स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जिसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्लैब का एक टाइप जो है वन वे स्लैब। दोस्तों, वन वे स्लैब में जो लोड होता है वो ट्रैवल होता है शॉर्टर पाथ के थ्रू, और वो लोड बीम के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। अब बात आती है कोई स्लैब वन वे है या टू वे, ये कैसे पहचानने का है, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आपको एक ड्राइंग में स्पैन दिया हुआ है जिसका लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इस स्पैन में फॉर्मूला बेस्ड वन वे स्लैब लगाने के लिए लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो हमारा लॉन्गर स्पैन 4 मीटर है और शॉर्टर स्पैन 2 मीटर है, जिसका रेशियो 2 आता है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इसीलिए यह जो स्पैन दिया हुआ है यह वन वे स्पैन है और वन वे स्लैब है। आइए जानते हैं वन वे स्लैब में स्टील की प्लेसिंग कैसे की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, जहाँ पे S2 स्लैब का नाम बताता है। 150 स्लैब की थिकनेस है, 10 का 100 सेंटर टू सेंटर मेन बार है, 8 का 125 डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और रीमार्क में वन वे स्लैब लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सेम ड्राइंग ड्रॉ की है, जिसको मैंने S2 नाम दिया हुआ है। इसका लॉन्गर स्पैन 4 मीटर है और शॉर्टर स्पैन 2 मीटर है। इसका रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसीलिए यह वन वे स्लैब है। इस ड्राइंग में आप देख सकते हो गुलाबी वाली लाइन को क्रैंक किया गया है, और गुलाबी वाली लाइन शॉर्टर स्पैन के अलोंग है और हरी वाली लाइन लॉन्गर स्पैन के अलोंग है। एज़ पर शेड्यूल गुलाबी वाली लाइन्स मेन बार शो कर रही हैं, जो 10 का बार और 100 का सेंटर टू सेंटर प्लेसिंग किया हुआ है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार जो ग्रीन लाइन्स शो हो रही हैं, वो 8 का बार 125 सेंटर टू सेंटर प्लेस किया हुआ है। इसी प्रकार साइड पे वन वे स्लैब की स्टील को प्लेस करना रहता है। ये थी हमारी वीडियो वन वे स्लैब पे, फर्दर वीडियो टू वे स्लैब पे आने वाली है। ऐसे ही रिलेटेड कंटेंट्स के लिए विवेक बिल्टेक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।